हूं अमित भाई, हम लोगों ने आपको सोलर बलून दिखाया था 50 फीट वाला, लेकिन यार वो जो एक नॉर्मल साइज का सोलर बलून था, लेकिन हमने सोचा, वो तो हमने मंगवाया था, हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सोलर बलून बनाया जाए जो कि बहुत बड़े साइज का हो और जो कि मार्केट में नहीं मिलता इतने बड़े साइज का ऑब्वियसली। तो इतना बड़ा सोलर बलून हमको खुद बनाना पड़ेगा, 200 फीट लंबा सोलर बलून आज हम लोग बनाने की सोच रहे हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमारे पास में है बहुत बड़े साइज की 200 फीट की पन्नी, जिसकी जो चौड़ाई है वो भी 7.5 फीट, और ये जो है सच्ची में 23 किलो की तो पन्नी है। अब मुझे ये नहीं पता कि इससे जो सोलर बलून बनेगा वो किस तरीके से उड़ पाएगा, क्या उड़ पाएगा या नहीं, लेकिन यार हम लोग आ चुके हैं चिलचिलाई धूप में, तो आज यही बनाएंगे बहुत बड़ा सोलर बलून जो कि किसी ने नहीं बनाया, किसी ने नहीं देखा। तो फटाफट से शुरू करते हैं, आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो हमें इस बहुत बड़े साइज की पन्नी को फैलाना पड़ेगा, और आप लोग इसका साइज देखना, ये कैसे लिपटी हुई है, लंबी खुलेगी ऐसे, ऐसे कर लो इसको, ये फटनी नहीं चाहिए बिल्कुल, ऐसे कर लो, हाँ ऐसे लंबी डायरेक्शन में खुल जाएगी ये। यार इसका साइज इतना बड़ा है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ मुझा गाइज, इसका साइज इतना बड़ा है और अभी आपको समझ में आएगा ये कितना बड़ा है। देखो पन्नी जाए जा रही है, अरे जानते जानते कोई दिक्कत नहीं है। और सोचो कि अगर इतना बड़ा बलून हवा में आ पाया, अगर ये उड़ पाया, क्या जबरदस्त बात होगी यार। जाने दो, चलो चलो चलो, अरे और है और है, अरे जाने दे अभी बहुत है, बस बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि जब इसको हम बंद कर देंगे दोनों साइड से हवा भर के, तो इसके अंदर जो हवा है वो ज्यादा गर्म होगी। ज्यादा गर्म होने का रीजन ये है कि ये जो पूरी पन्नी एकदम ब्लैक है और काली चीजें लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, ज्यादा एनर्जी लेती हैं, ज्यादा गर्म होती हैं, तो ये जो है अपने अंदर की हवा को गर्म करेगा, काफी ज्यादा गर्म करेगा, और उसकी वजह से उसके अंदर जो हवा है वो हल्की हो जाएगी, गर्म होगी। कोई भी गर्म चीज ठंडी चीज से हल्की होती है, आपको पता है, और उसी की मदद से ये जो है ऊपर उठ सकता है। तो अब जो है फटाक से इसका एक एंड बंद करते हैं और हवा भरते हैं। तो गाइस गांठ लग चुकी है एक एंड पे और ये ऑलरेडी गर्म होने लग गया, अब उस एंड पर चलते हैं और उधर से हवा भरना स्टार्ट करते हैं। देखो एक बार इसकी लंबाई यहां तक पहुंचे, हवा भरना स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी मोटाई देखो, सही है, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर ये उड़ गया तो कसम से जबरदस्त मजा आ जाएगा। और देखो अबे ये गुफा सी बन गई, वाओ अबे कैसी गुफा बन गई भैया, ओ तेरी, अरे वेट बहुत ज्यादा है यार, अरे आ जा रहा है उधर ये उड़ गया ना तो हमको भी उड़ा ले जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ ओए जा रही है जा रही है, जाने दो उठा के रखो, अंदर से देखने पर सुरंग जैसा लगता है। अब एक काम करते हैं, जो हवा इसमें यहाँ तक है उसको पीछे शिफ्ट कर लेते हैं। चलो 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 एक बार और अंकित एक बार और ले जा गाइस, जो बलून है वो आधा जो है आधा सा भर गया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अबे यार कितना बड़ा है, एक बार इसकी लेंथ दिखा सकते हो साइड से जाके, भाई सच्ची में बहुत बड़ा है यार, ये बहुत बड़ा है। चलो चलो आगे चलो आगे चलो, ऊपर उठ रहे हैं, अबे पकड़ के रखो, अभी मत जाने देना, रस्सी भी नहीं बांधी। अबे इसकी मोटाई देखो गाइस, कितना बड़ा हो गया, ओ गरम है गाइस, अगर ये उड़ा तो आएगा मजा। अबे ये कैसे सांप की तरह हो रहा है गाइस, देखो एक बार जो पूरा बलून है, ओए बहुत ज्यादा दम लगा रहा है ये गाइस। यार हमको जो है 4 दिन हो चुके हैं लगातार इसको उड़ाने की कोशिश करते हुए, आज चौथी बार हम यहाँ आए हैं चिलचिलाती धूप में, क्योंकि हम लोग आते हैं और होता क्या है कि बादल आ जाते हैं,
और बादल आने की वजह से जो धूप है वो कम हो जाती है और ये फिर नहीं उड़ पाता, क्योंकि भाई ये क्रिटिकल पे उड़ता है एकदम, जब एकदम गर्म अंदर की हवा हो जाए। तो आज एकदम चिलचिलाए धूप और आज जो बादल भी मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो आज मुझे उम्मीद है ये उड़ सकता है। आप लोग मेरी दाढ़ी से अंदाजा लगा सकते हो, जब हमने शुरू किया था तो दाढ़ी मूछ कितनी थी, और आज जो है ये बिल्कुल बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। देखो देखो देखो, अरे वाह, रुको इसको थोड़ा टाइट करेंगे, इसको टाइट करेंगे बबलू, इसको आगे से टाइट करेंगे तो ये आगे आगे गैस चली जाएगी पूरी। तो भाई यहाँ पर जो है हमने इसके आगे का हिस्सा है उसको काट लिया है, अब इस पर रस्सी बांध देते हैं। अब ये तो हमको नहीं पता कि हवा में जाएगा पूरा या नहीं, लेकिन यार ये जो है कंटिन्यूसली उड़ने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ओए ओ अबे छोड़ दे बबलू छोड़ दे। बलून हवा में है। अब यार मेरे पास ये रस्सी नहीं थी यार, ये किसने बांधी छोटी सी रस्सी। अबे यार गाइस जो पूरा बलून है वो हवा में आ गया था, पीछे लाओ। अबे यार बाप के ले ओए खींच के ले गाइस, ये जो बलून है, अबे यार एक बार तो उड़ा था और आपने देखा ये मुझे कितना तेज खींच रहा था, और हुआ कुछ ऐसा कि जो इसकी रस्सी थी ना वो हमने लंबी नहीं बांध रखी थी, पूरा हवा में था, और तब मैं छोड़ता तो शायद ये चला जाता, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं यार। हम जो है इसको भाई आसमान में नहीं छोड़ सकते, अगर हम इसको आसमान में छोड़ देंगे ना तो पता नहीं किसी एरोप्लेन में कहाँ क्या प्रॉब्लम कर दिया, इसलिए ऐसी चीज़ हम नहीं कर सकते। हम इसको थोड़ा ऊपर उड़ाना चाहते थे जो कि हमने कर लिया है। ओए अबे उड़ रहा है क्या? अब यार गाइस ये वहाँ से पता है, देखो देखो कितना फट गया, ये कहाँ से घिसट घिसट के आया है और उस चक्कर में फट गया। लेकिन आप लोगों ने ये तो देखा ही है, अबे क्या कर रहे हो? अबे अबे जान दो। देखो यार कितना लंबा है, एक बार इससे नजर डालो जरा। तो अगर आपको मजा आया वीडियो में तो लाइक जरूर से कर देना, चैनल को कर लो सब्सक्राइब ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बाय बाय। अबे रेल की तरह बन गया ये, देखो ट्रेन की बोगी की तरह हो गया। 1 2 3 4 जान दे कोच नंबर S5 जल्दी ले जा। चलो टाटा बाय बाय।